Yes students, next question. This is also important. अपने important file के अंदर इसको note करना है. Question is 1 upon x plus 2. 1 upon x plus 2. 1 upon x plus 3 and 1 upon x plus 5 are in AP. तो ये तीनों जो terms है AP में है. Then we have to find what here? X. Okay बच्चा? कर सकते हैं. देखो, 3 terms given है, in AP है. सही है. So common difference between them will be equal. So we compare common difference. Okay. And we will find this X. कैसे हो सकता है? जैसे कि D is equal to क्या हो जाएगा? T2 minus T1 होगा बच्चों. As well as T3 minus T2 होगा. Right बच्चों? सही है ना? तो बस फिर इनपुट कर देते हैं. ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये क्या है? T3 है. तो T2 minus T1 करेंगे तो क्या होगा? 1 upon x plus 3 minus 1 upon x plus 2 is equal to what? 1 upon x plus 5 minus 1 upon x plus 3 बच्चों. सही है? Okay. LCM ले लेते हैं. क्या हो जाएगा? X plus 2 minus x plus 3. LCM क्या आएगा? X plus 3 into x plus 2. Simple. Okay. फिर यहां पे भी LCM ले लेंगे. X plus 3 and minus X plus 5. Denominator में क्या रहेगा? X plus 5 and X plus 3 बच्चों. Okay. Bracket open कर देते हैं. तो X plus 2 minus X minus 3. Denominator में क्या आएगा? Bracket open कर देते हैं. X plus 3, X plus 2. तो क्या हो जाएगा? X square plus 5x plus 6. Okay. X square plus 5x plus 6. Okay. आप इसको अपने तरफ से simplify करना. Okay. और इसको भी bracket open कर देते हैं. X plus 3 minus X minus 5. इसको लिख देते हैं. X square 5 plus 3 means 8x and plus 15. Okay. आप सोचो कि डायरेक्ट कैसे लिख लिया मैंने? आप भी लिख सकते हो बच्चों. इसका एक शॉर्टकट है. देखो मैं बताता हूं, समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो. देखो मैंने क्या किया यहां पे. x plus 3 x plus 2 x plus 2. जब भी x के आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो, ठीक है, तो आपको इसका जो सेकंड स्टेप होता है, आप क्या करते हो? ये मल्टीप्लाई करते हो, x मल्टीप्लाई करते हो x plus 2 के साथ, then 3 plus 3 मल्टीप्लाई करते हो x plus 2 के साथ, then आप उसका एडिशन करते हो. दो स्टेप, तीन स्टेप हो जाते हैं. इसको डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? एक तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, rather than 1. यहां पे नहीं है, है ना? Only 1 is coefficient. So x जो है वहां पे आप लिख देना है x square, पहली बात. ओके, फाइन. फिर देखो दोनों की साइन प्लस है, और प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाता है? प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5x. लिख लिया. ओके. अभी दोनों साइन इक्वल है, प्लस प्लस है, है ना? दोनों साइन इक्वल है, प्लस प्लस है, तो एडिशन हुआ होगा. मतलब कि जो प्रोसेस होगी वो एडिशन की होगी. माइनस माइनस होता तो यहां पे माइनस 5x लिखते, लेकिन यहां पे एडिशन का साइन आता. तो 3 2 जा 6, इसकी पहले लेना है एडिशन, उसके बाद लेने हैं प्रोडक्ट. x square plus 5x plus 6. ओके बच्चों, जैसे इसका करना है तो कैसे करेंगे बच्चों? बच्चों x plus 5 है, x plus 3 है, तो क्या करना है? पहले x into x, x square लिख देना है, फिर ये दोनों का एडिशन लिख देना है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख देना है. हो गया. ओके. अगर मान के चलो, अगर that what, यहां पे x plus 5 है और यहां पे x minus 3 होता, तो क्या करते हैं बच्चों? कुछ नहीं, सिंपल, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन x square, इसका और इसका एडिशन plus 5 minus 3 क्या होता है? plus 2 into x, क्योंकि ये मिडिल टर्म होगा, और 3 जा 15, 15 लेना है, लेकिन यहां पे दोनों साइन अलग है तो आपको यहां माइनस कर देना है. इतना सिंपल है ना? अच्छा है अगर आप कर पाओ तो, नहीं तो ब्रैकेट ओपन करके भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं. सही बच्चों? इसको अभी सिंपलीफाई कर देते हैं. x minus x will be eliminate, plus 2 minus 3, ऐसा ही है ना? plus 2 minus 3, तो हो जाएगा minus 1 upon x square
प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एज वेल एज यहाँ एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी एलिमिनेट, बचेगा क्या यहाँ पे प्लस थ्री माइनस फाइव माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस 15. अभी दोनों जगह पे माइनस साइन है, दोनों को हम हटा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों साइड माइनस साइन है, सो वी कैन रिमूव इट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, ठीक है. तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, देखो माइनस को मैंने कंसिडर नहीं किया, दोनों तरफ से हटा दिया और यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बच्चों, टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10 एक्स प्लस 12. पक्का कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है. ये टर्म्स उधर ले जाएंगे और लिखेंगे ये साइड पे, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर. 10x माइनस 8x हो जाएगा कितना, 2x. प्लस 12 माइनस 15 हो जाएगा कितना, माइनस 3. ओके बच्चों, वेरी फाइन. तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, अभी अभी मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बताया ना, उसी तरह अब यहां पर डायरेक्ट फैक्टर निकालते हैं. देखो क्या होगा फैक्टर, एक्स एक्स. ओके बच्चों, माइनस साइन है मतलब क्या है, यहां पे सब्ट्रैक्शन है, तो थ्री वन जा थ्री करोगे तभी जो टू आएगा, तो थ्री वन जा थ्री तभी जो टू आएगा, और मिडल टर्म में साइन प्लस है तो प्लस थ्री चाहिए माइनस वन चाहिए, हो गया फैक्टर्स. ओके, इज इक्वल टू जीरो. थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको भी ये डायरेक्ट लिखना आ जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं भी लिख सकते हो तो भी टेंशन नहीं. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सही है. तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन. दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, दोनों सही है या दो में से एक सही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक कर सकते हो, माइनस थ्री यहां पे आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि वन अपॉन, देखो यहां पे भी चेक कर सकते हो. ओके, कि अगर आपने माइनस थ्री यूज किया, ओके माइनस थ्री, तो ये टर्म्स जो है उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है कि नहीं आता है, चेक करो. माइनस थ्री अगर हमने ये किया तो वन अपॉन माइनस थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस वन, इसका मतलब माइनस वन हो जाएगा. ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस थ्री प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन अपॉन जीरो हो जाएगा. पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, नहीं है. सो माइनस थ्री इट्स नॉट पॉसिबल फॉर सेकंड टर्म, तो आप लिखोगे सीधा इधर, बट टी टू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, सो इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस थ्री प्लस थ्री. ओके, इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या, वन. ओके बच्चो, ठीक है, नोट इट डाउन बच्चो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फाइल में जाएगा, जो आपको फाइल बनानी है, बता जा रहा हूँ, फिर बोलना नहीं मैंने बार बार बताया आपको फाइल बनानी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्यों बनानी हो मैंने बताया. फाइंड द सम ऑफ वन माइनस वन अपॉनेंट, फर्स्ट टर्म है वन माइनस वन अपॉनेंट, वन माइनस टू अपॉनेंट, वन माइनस थ्री अपॉनेंट एंड अप टू एन टर्म्स, ये भी गिवन है बच्चों, और इसका हमें सम निकालना है. देखने में थोड़ा अतरंगी लग रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, आएगा तो आपको आराम से आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो कोई क्वेश्चन दिखने में ऐसा गजब दिखता है, एकदम डेंजर दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. देखो कैसा रहेगा इसमें, यहाँ पे ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों इसके अंदर, एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते हैं, सीधा सम ऑफ करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं बच्चों. कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन इज वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एन प्लस अप टू कहां तक है, एन टर्म्स है, तो सही
है ना, इतना सम हमें फाइन करना है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं देखो, है ना। तो वन जो है मैं पहले लिख रहा हूं वन, यहां से एक टर्म ले रहा हूं वन, यहां से प्लस वन, ये कहां तक है, कितने टर्म्स तक वन मिलेगा मुझे, एन टर्म्स में मिलेगा। सही है बच्चों, ये ब्रैकेट में से मैंने खाली वन 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 लिए अप टू एन टर्म्स, कि बाकी के जितने जो है माइनस वन अपॉन टू, माइनस टू अपॉन एन, माइनस थ्री अपॉन एन, उसको बाद में लिख देते हैं देखो। और ये जो माइनस साइन है, सबकी माइनस साइन है बच्चों, है ना। तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो वन अपॉन एन लिख सकता हूं इधर, ये ब्रैकेट से बाकी बचेगा क्या, टू अपॉन एन, फिर क्या बचेगा, थ्री अपॉन एन, और कहां तक लिखेंगे, ये एन टर्म्स तक लिखेंगे। सही है बच्चों, यहां तक क्लियर है। ओके, किया क्या मैंने, वन 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 अप टू एन टर्म्स का एक ब्रैकेट ले लिया माइनस साइन की, और माइनस वन अपॉन टू, माइनस टू अपॉन थ्री, क्योंकि एडिशन में है सारे। ओके, और हमें यही तो सम फाइंड करना है। तो क्या किया हमने, एडिशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। अभी वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू एन टर्म्स मतलब क्या, जैसे कि वन प्लस वन प्लस वन अप टू टेन टर्म्स अगर मैं बोलूं तो आंसर क्या आएगा, टेन, है ना। वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू टेन टर्म्स, तो 10 आएगा, अप टू 15 टर्म्स 15 आएगा, अप टू 20 टर्म्स 20 आएगा, एज वेल एज अप टू एन टर्म्स, आंसर क्या आएगा बच्चों, एन आएगा, आएगा ना। ओके, यहां पे माइनस साइन वही का वही, और ये जो है इसका हम सम ले लेंगे, ठीक है। तो मान के चलो कि ये कोई एस एन है, ऐसा मान के चलो कि ये कोई एस एन है, और ये एस एन हमें फाइंड करना है। ये हो गई कोई एपी हो गई, कैसे होती है देखो, चेक करते हैं इफी है कि नहीं, वो भी चेक करते हैं। तो वन अपॉन एन प्लस टू अपॉन एन, तो देखो ये जो है वन अपॉन एन, देन टू अपॉन एन, देन थ्री अपॉन एन, ओके। इसको अगर आप समझो तो देखो, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा, टू अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन मतलब वन अपॉन एन, एंड थ्री अपॉन एन माइनस टू अपॉन एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, तो ये डी हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये जो है यहां पे एस एन के लिए, ओके, सो फॉर एस एन, फॉर एस एन जो है वो क्या होगा, डी जो है वो हो जाएगा वन अपॉन एन, ओके, और ए जो है वो हो जाएगा वो भी वन अपॉन एन। सही है बच्चों, और अब एस एन को अगर हम फाइंड करें, एस एन को, तो क्या होगा बच्चों, एस एन इज इक्वल टू क्या, एन बाय टू, तो एन टर्म्स तो है ही, टू ए, टू अंडर ब्रेकेट ए क्या है, वन अपॉन एन, देन वॉट प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है बच्चों, वन अपॉन एन। सही है, फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया बच्चों। ओके, तो अगर डायरेक्ट लिखना चाहो ए प्लस, तो एन बाय एन उस तरीके से भी इजी हो जाएगा, हमने ये स्टार्ट कर दिया देन नो प्रॉब्लम। तो n बाय टू, और ये हो जाएगा टू अपॉन एन प्लस, देखो न्यूमेरेटर सेम है, तो प्लस n माइनस वन, ठीक है। सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, सीधा एलसीएम, ओके, n हमने एलसीएम ले लिया, तो ये n n कैंसल आउट, टू प्लस n मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर n प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर हमने ये nth टर्म डिराइव कर लिया होता तो कैसे लिखते हैं, वन अपॉन एन प्लस टू अपॉन एन प्लस थ्री अपॉन एन प्लस अप टू n टर्म, तो n टर्म क्या आता, n अपॉन एन मतलब क्या आ जाता, वन आ जाता, और हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब कि वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन एन लिखते थे, ऐसे ही कुछ लिखते है ना, ठीक है। और फिर अगर वही फॉर्मूला डालते n बाई टू इंटू दिस, n n विल बी कैंसिल आउट, और आप यही फाइंड करते n प्लस वन अपॉन टू, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह से आप कर सकते। ओके बच्चों, तो ये हमने एस एन फाइन कर लिया, ओके, ये हमने एस एन फाइन कर लिया, यहां हमें आंसर निकालना है, एस एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एस एन क्या निकाला हमने, एन माइनस एन प्लस वन अपॉन टू, तो क्या आएगा, एन माइनस एन प्लस वन अपॉन टू, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एन माइनस एन, ब्रैकेट है देखो, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू एन माइनस एन, एन माइनस वन अपॉन टू, तो ये है हमारा आंसर क्या, एन माइनस वन अपॉन टू। तो देखो क्वेश्चन
इतना भी तो टफ नहीं है, है ना, इतना भी टफ नहीं है। क्लियर, हमने क्या किया, वन को जो है वो अलग किया, हमने सेपरेट कर दिया, और माइनस वन अपॉन एन माइनस टू अपॉन वन को सेपरेट कर दिया, लेकिन माइनस साइन को बाहर रख के वो बाकी एडिशन में रख दिया। इतना क्लियर हो गया। फिर वन प्लस वन एन होता है, और बाकी के जो टर्म्स है उसको एस एन हमने एज्यूम कर लिया कि कोई एस एन उसका सम होगा। ऑब्वियसली ये एपी है, ये भी हमने चेक कर लिया कि ए इज इक्वल टू वन अपॉन एन आता है, डी इज इक्वल टू भी वन अपॉन एन आता है। ओके, अगर हमने फाइंड जो यूज की फॉर्मूला वो एन बाय टू टू ए माइनस एन सो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाली फॉर्मूला यूज की, और उस हिसाब से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें एस एन मिला एन प्लस वन बाय टू। अगर ये ना करके लास्ट टर्म वाली, मतलब कि एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए प्लस एल वाली अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करते, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट। वन अपॉन एन फर्स्ट टर्म हो जाता और एन अपॉन एन मतलब कि वन विल बी लास्ट टर्म, एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड सेम आंसर एन प्लस वन अपॉन टू। ये वैल्यू हमने कहां सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो जो टोटल आएगा ये इसका आंसर आएगा। बस थोड़ा सा मैथमेटिकल हमने सिंप्लीफिकेशन किया। ये बच्चों यहाँ पे 100% ध्यान रखना बच्चों, ये ब्रैकेट करना, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है बहुत सारे बच्चे गलती करते ही है, प्लस का प्लस रख देंगे तो आंसर गलत आएगा। तो ब्रैकेट है तो माइनस साइन बाहर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, एंड देन टू एन माइनस एन मतलब एन माइनस वन अपॉन टू विल बी आंसर बच्चों। ओके, क्लियर, पक्का, अगर कुछ इश्यू है लेट मी नो, नॉट इट ऑल बच्चा। ये क्वेश्चन है बोर्ड 2019 से लिया मैंने। ओके, बोर्ड के क्वेश्चंस मैं अभी चालू कर रहा हूं। जो क्वेश्चन है, इन एपी द फोर्थ टाइम सिक्स्थ टर्म्स आर 8 एंड 14। ओके, तो फोर्थ टर्म जो है वो 8 है एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो 14 है। ओके बच्चों, फाइंड दैट फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं बच्चों। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन। बताओ बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, है ना। आपने जिस हिसाब से अभी तक स्टडी की है, जिस हिसाब से आपने वीडियोस देखे हैं, अगर उसको आपने अच्छी तरह से नोट किए हैं, आपने एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्सरसाइजेस जितने भी है आपने अगर अच्छे से किए हैं, तो ये क्वेश्चन देख के आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि बोर्ड में मेरे 4 मार्क्स जो नंबर है ईपीजीपी के वो आने वाले हैं। देखो सिंपल है, फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म, तो क्या करेंगे, आपको पता है दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और दोनों इक्वेशन सॉल्व करके तीनों आंसर हम ले लेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी फर्स्ट टर्म से, तो क्या लेंगे हम, गिवन क्या है, T4 गिवन है। ओके, T4 गिवन है, ठीक है, A4 लिख सकते हैं, चलो A4 इज इक्वल टू क्या है, 8 है, एंड A8 इज इक्वल टू क्या है, A6 इज इक्वल टू क्या है, 14 है, फोर्थ एंड सिक्स टर्म। ओके बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, A4 मतलब क्या, फोर्थ नंबर का टर्म, A प्लस 4 माइनस 1 इट मीन्स वॉट, 3D, 4 माइनस 1 3 इंटू डी इज इक्वल टू 8, और यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस 5D इज इक्वल टू 14 हो गई इक्वेशन दोनों। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, देखो सेकंड माइनस 1 करते हैं बच्चों, क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन मिला ना, 4 मार्क्स का, क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस 1 तो ए जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 5D माइनस 3D क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 6। डायरेक्ट कर रहा हूं, इजी है ना, इसलिए तो D हमें कितना मिलेगा बच्चों, 6/2 मतलब कितना मिला हमें, 3 मिला, सही है बच्चों, D मिल गया। तो हम D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, सो A प्लस 3 अंडर ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 8, सो क्या हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू 8 माइनस 9 मीन्स वॉट माइनस 1. सो हमें ए कितना मिला यहाँ पे माइनस 1, टी कितना मिला था हमें 3. हो गया बच्चों, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, ये हो गया आंसर 1, ये हो गया आंसर 2. हो गया कि नहीं? आंसर 1 क्या था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था. आंसर 2 क्या था, क्वेश्चन हमारा कॉमन डिफरेंस था, तो वो क्या मिला हमें, डी इज इक्वल टू 3 मिला. दो क्वेश्चन खत्म. सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, वी हैव ए इज ए फर्स्ट टर्म, वी हैव कॉमन डिफरेंस, वी कैन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. कैसे निकालेंगे, एच 20 इज इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी. ओके, एन कितना है 20 अपॉन 2, 2 टाइम्स ऑफ ए, ए कितना है बच्चों माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 मीन्स 19 इंटू डी बच्चों. क्लियर है, तो ये 10 हो गया, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 19 इंटू डी. डी की वैल्यू क्या थी, हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की वहां पे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3, तो 19 3 जा 57. क्या हुआ बच्चों 55. क्या लिखेंगे 550. क्या हो गया ये सम ऑफ 20 टर्म्स, क्या आंसर नंबर 3, 4 मार्क्स है ना. तो ऐसा ही है, सिंपल सा, कुछ इतना टेंशन वाला नहीं है. सो राइट इट डाउन, देन वी विल चेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द बर्थ पेपर्स. राइट, ये क्वेश्चन भी है 2019 बोर्ड में पूछा गया. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पे जीपी गिवन है, आर 3 एंड 96 रिस्पेक्टिवली. इफ द कॉमन रेशियो इज 2, आर इज गिवन. ओके, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है. सो फाइंड एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी एंड सम ऑफ एन टर्म्स. राइट बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे लास्ट टर्म्स गिवन है, पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं. क्या क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब व्हाट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 3 गिवन है, ए इज इक्वल टू 3 गिवन है बच्चों. मार्कर खत्म हो गई, ए इज इक्वल टू 3 गिवन है बच्चों. ओके, फर्स्ट टर्म, देन क्या गिवन है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म गिवन है कितना है 96 है, और क्या गिवन है रेशियो कितना गिवन है 2. तो ये जो है हमारे पास गिवन डेटा है. देखो ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं, मतलब इजी वाले आराम से आप कर पाओगे. यहां से सबसे पहले हमें एन फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे. एन की जो फॉर्मूला है लास्ट टर्म की हमें कितनी होती है, ए इंटू आर एस टू एन माइनस 1. ए एन गिवन है कितना बच्चों 96, ए गिवन है कितना 3, आर इज ऑल्सो गिवन व्हाट 2 एन माइनस 1 बच्चों. इतना सबको क्लियर है, अभी 3 है तो डिनोमीटर जब चला डिनोमीटर में चला जाएगा 96 अपॉन 3, सो 3 जाए 9, 3 2 जाए 6. ओके बच्चों, 2 का पावर n माइनस 1, 32 क्या होता है 2 का पावर 5, 2 रेज टू n माइनस 1, बेस कॉमन वी कैन कंपेयर द पावर, सो 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू व्हाट 6. ये हो गया आंसर नंबर 1. ओके बच्चों, तो n जो है वो हमें मिल गया 6 फर्स्ट के. अभी हमें फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स. क्या है फॉर्मूला बच्चों, वही तो है एस एन इज इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट आर एस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. क्यों ये फॉर्मूला यूज की हमने, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन 1. तो यही वाली फॉर्मूला लगेगी ना, आर एस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, आर एस टू एन, आर क्या है 2 है, अभी एन को एन ही रहने देते हैं. ओके, और आर माइनस 1 2 माइनस 1,
तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो बचेगा थ्री टू रेस टू एन माइनस वन। तो ये जो आंसर आया वो nth टर्म के लिए आंसर है। ओके, तो फॉर n टर्म सम ऑफ n टर्म्स इफ n इज इक्वल टू सिक्स, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। देखो यहां तक आंसर की होती है ना, यहां तक आंसर की में ये आंसर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे ऑलरेडी मेंशन है कि यहां पे नंबर्स ऑफ टर्म्स जो है वो सिक्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो ये आंसर आ गया हमारा आंसर नंबर टू। यहां हम लोग ये भी ऐड कर लेंगे एडिशन के अंदर, इफ n इज इक्वल टू टू, ओके देन व्हाट एस सिक्स इज इक्वल टू थ्री अंडर ब्रेकेट टू का पावर सिक्स माइनस वन। ठीक है, तो थ्री अंडर ब्रेकेट टू का पावर सिक्स क्या होता बच्चों, 64, 64 माइनस वन क्या होता बच्चों, 63, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 3 9, 6 3 जाए 18, तो ये हो जाएगा एस सिक्स, ये भी सिक्स टर्म्स के लिए आंसर हुआ, मतलब कि उसका सम ऑफ हुआ। ओके बच्चों, फिर से बता देता हूं आंसर की के अंदर, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स लिखा है, यहां पे मेंशन नहीं है कि टोटल सिक्स टर्म्स के लिए है कि फाइव टर्म्स के लिए है, तो आंसर की के अंदर ये नहीं गिवन है, लेकिन एस सिक्स हमने निकाल दिया ले, और हमें ऐसे ही फाइंड करना है जो होता है थ्री अंडर ब्रैकेट थ्री इंटू टू रेस टू एन माइनस वन, यही आंसर है। ओके बच्चों, नोट इट डाउन, थ्री मार्कर क्वेश्चन, वेरी इजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम 2019 थ्री मार्कर क्वेश्चन। अब समझो कि एपी जीपी कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने है, और मुझे पता है आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो और काम कर रहे हो, सही है कि नहीं। ओके, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एपी में से है, जीपी से नहीं है, कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी is 42 and the product of first and third term is 52, find the first term and the common difference। हमें a find करना है, d find करना है, और दो scenario already given है। ये बहुत important बात बताता हूँ बच्चों, हमें पता है बच्चों कि जो AP है वो आपने हमने पहले ही मैंने बताया था कि वो ये form में होती है ना, राइट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड टर्म, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब आपको बताया है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम करना है, तो आप इस ये वाला जो फॉर्मेट है उसको यूज नहीं करोगे। कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करना है बच्चों, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। देखो कॉमन डिफरेंस में डी ही रखता हूं, अगर ये ए प्लस डी होता ये a होता तो इसके पहले वाला टर्म क्या होता, a माइनस डी होता ना, कैसे चेक कर लो। अगर मैं लिखू कि ये तीनों टर्म्स ap में है तो चेक कर लो है कि नहीं। देखो टू सेकंड टर्म मतलब टी टू माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हुआ a माइनस डी, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू क्या हुआ a माइनस ए प्लस डी, आंसर क्या आया डी आया ना बच्चों, कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी माइनस ए, ये तो आपको पता है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी, क्यों ए ए कैंसल आउट, ए ए कैंसल आउट, आंसर क्या आया डी। तो ये थ्री टर्म्स जो है वो भी क्या है, ए बी का ही तो फॉर्मेट है, तो ये जो हमने फॉर्मेट दिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी ये टाइप का क्वेश्चन हो और आपको अगर एपी, अगर एपी एज्यूम करना है तो लेट एपी जो लेना है ए माइनस डी ए ए प्लस डी देना है, जब थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपको लिखने हैं एपी के, समझ में आया। अगर फोर लिखने होते, अगर फाइव लिखने होते तो कैसे,
नोट कर दो, नोट कर दो अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर, लिख दो कि ऐसे ही आपको एज्यूम करने हैं थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। अगर फोर करने होते तो क्या करते, अगर फाइव करना होता तो क्या करोगे। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है उसमें हमें चेंज नहीं करना है, ओके। तो क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ओके, ए माइनस डी एंड ए माइनस थ्री डी, ये हो जाता आपका, क्या हो जाता, अगर फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी अगर आपको एज्यूम करना है। क्यों ऐसा करता हूं पता है, ऐसा क्यों करना चाहिए, जब आप सारे थ्री टर्म्स को ऐड करोगे ना तो डी डी विल बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए और डी में से किसी को एलिमिनेट करना है, इसलिए हम ये जो फॉर्मेट है वो यूज करते हैं एज्यूम करने के लिए, ओके। यहां पे भी देखो डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस डी माइनस प्लस थ्री डी, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, टू डी आ रहा है। देखो दो टर्म्स का, ये दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, टू डी आ रहा है। देखो ये दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, टू डी आ रहा है, मतलब इक्वल तो आ रहा है ना, इक्वल तो आ रहा है। इसलिए अगर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है आपको तो ये फॉर्मेट यूज करना है, फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है आपके पास तो ये फॉर्मेट यूज करना है, फाइव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है तो सेम वाला, लेकिन इसके आगे पीछे एक एक और नंबर लिखेंगे, तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये अगर फाइव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर पूछे गए एज्यूम करना है आपको तो ये वाला करना है। क्यों, देखो देखो फाइव टर्म्स का जब आप एडिशन करोगे, क्योंकि यहां पे ना एडिशन दिया होता है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एपी इज 42, ओके, और हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है एकदम से स्पीड से बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन क्रिएट किए। यहाँ पे अगर आपने ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी किया होता, तीनों का एडिशन किया होता, तो ना ए एलिमिनेट होता ना डी एलिमिनेट होता, लेकिन अगर आपने ऐसे एज्यूम किया है सो डी विल बी एलिमिनेट एंड यू कैन फाइंड द ए फ्रॉम हियर, ओके। देखो इसका एडिशन करोगे तो डी विल बी एलिमिनेट एंड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब फाइव ए हो जाएगा और कुछ सम दिया होगा सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द ए, ओके। क्लियर बच्चों, इसको नोट डाउन कर दो, ओके, टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखना कहीं से भी अच्छी तरीके से, ओके, क्लियर, ओके। तो हम लोग ये क्वेश्चन में जो एज्यूम करेंगे, टर्म्स जो एज्यूम करेंगे वो कौन सा करेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी बच्चों, ओके, ठीक है। इसका सम दिया हुआ है तो सम ऑफ ए भी गिवन है, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू डी गिवन है, क्या है, 42 है, हो गया, तीनों का एडिशन किया तो माइनस डी प्लस डी विल बी एलिमिनेट, ए प्लस ए प्लस ए मीन्स वॉट हो जाए, वॉट ए थ्री ए, सो 42 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14, हमें ए मिल गया 14, मिला कि नहीं बच्चों, तो यही तो आंसर है जो फर्स्ट पूछा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, मिल गया 14। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, राइट, इसके लिए सेकंड सिनेरियो है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52, मतलब ये फर्स्ट टर्म है ये थर्ड टर्म है, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 52 गिवन है बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 14, ओके, तो क्या लिखेंगे, 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52, क्यों, ए इज इक्वल टू 14, वी ऑलरेडी सॉल्व, ओके। नाउ व्हाट, माइनस डी स्क्वायर इस तरफ जाएगा, 52 इस तरफ ला देते हैं, ओके, देखो माइनस डी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस डी स्क्वायर, 52 इस तरफ आएगा तो माइनस 52, 14 का स्क्वायर बच्चों याद रखना है कितना आएगा, 196, करेक्ट 196, 13 का 169, 15 का 225, ओके, तो याद रखना बच्चों इसको, ओके।
सब्ट्रैक कर देते हैं, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 4 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू d स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या हुआ, d स्क्वायर रूट लेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस और माइनस 12 आएगा ना, स्क्वायर रूट लेते प्लस और माइनस लेते हम लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर, ओके। ये आंसर हो गया हमारा 1, ये हो गया आंसर 2, आंसर नंबर 2, ओके बच्चों। इंपॉर्टेंट है, 2019 में 3 मार्कर क्वेश्चन था, ओके, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम 2018, ओके, क्वेश्चन भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, देखो कितना छोटा सा और कितना इजी क्वेश्चन है। इफ के माइनस 3, 2k+1 एंड 4k+3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बस और कुछ नहीं फाइंड करना, और आपको मिलेंगे कितने, 3 मार्क्स। इजी है ना बच्चों, क्या करेंगे, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है तो उसके क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, सही है ना, बस कंपेयर कर लेते हैं। क्यों, जैसे कि d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 होगा, एज वेल एज t3 माइनस t2 होगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, तो t2 माइनस t1 क्या लिखेंगे बच्चों, 2k+1 ब्रैकेट में रखना, एडवाइस, इंपॉर्टेंट एडवाइस है बच्चों, ब्रैकेट में ही रखना, ब्रैकेट खोल के लिखा 100% मिस्टेक होने का चांस है। क्या लिखेंगे, t2 2k+1 t1 क्या लिखेंगे बच्चों, k-3, t3 क्या लिखेंगे बच्चों, 4k+3, t2 क्या लिखेंगे बच्चों, 2k+1, सही है, गुड। बस k मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओके। देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो, 2k+1 - k+3, साइन विल चेंज, ओके, देन 4k+3 - 2k-1, ओके बच्चों, 2k - k, k+1 + 3 + 4, 4k - 2k, 2k + 3 - 1 + 2, k will be here, so what, 2k - k, 2 will be here, my 4 - 2, तो क्या बचा बच्चों, k is equal to 2, ये हो गया आंसर। देखो फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स देगा आपको, 3 मार्क्स, कुछ भी टफ नहीं, ओके। सो 2018, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में से, ओके बच्चों, मैंने बताया था एक एग्जांपल, आई थिंक एग्जांपल नंबर 36 ऑफ जीपी, राइट, एग्जांपल नंबर 36 ऑफ जीपी, और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फाइल में जाएगा, ओके। सेम देखो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, कुछ सेम क्वेश्चन है तो टफ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्रोसेस से हमने क्वेश्चन कर लिया है, और वो भी 3 मार्कर क्वेश्चन है कि द फोर्थ टर्म, है ना, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज 128, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो बच्चों, ओके। तो वो देखो 36 के अंदर सेम थिंग दी थी और हमने उसको डिवाइड करके सॉल्व किया था, तो यहाँ पे गिवन है t4 इज इक्वल टू 16 एंड t7 इज इक्वल टू 128 बच्चों, है ना, ओके। तो कैसे होगा, देखो t4 मतलब क्या होता है, a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, मतलब क्या, 4 - 1 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू क्या, a इंटू आर रेस टू 3 इज इक्वल टू 16, यहां पे क्या हो जाएगा, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू 7 - 1 इज इक्वल टू 128, सो a इंटू आर रेस टू 6 इज इक्वल टू 128, ओके बच्चों। तो क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 क्या करेंगे, 2 डिवाइड
बाय वन, ओके। तो क्या होगा, वहां पे हमने वही किया था, तो यहां पे क्या करना है हमें कि T7 अपॉन T4 इज इक्वल टू क्या होगा 1128। T7 क्या है 128 अपॉन क्या लिखेंगे 16, ऐसा ही कुछ है ना, डायरेक्ट अगर नहीं लिखा तो यहां पे हम लोग नंबर 1 और 2 डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं, वही सिनेरियो है, ओके। तो क्या लिखेंगे यहां पे, ये यह डायरेक्ट हमने किया था उस टाइम, इसलिए लिखा मैंने यहां पे, अभी थोड़ी सिंप्लीफाई कर दिए, अब 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, बात वही है। तो क्या होगा a इंटू आर रेस टू 6 अपॉन a इंटू आर रेस टू 3, a विल बी कैंसल आउट, r रेस टू 3 ऊपर जाएगा, तो r का पावर 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा 16, 8 जा 128, तो ये 8 हो गया, 8 क्या होता है बच्चों 2 का पावर 3, तो r कितना हो गया 2 हो गया, देखो हुआ कि नहीं। तो ये हो गया कॉमन रेशियो, ये हो गया आंसर नंबर 2 हो गया, ओके। डाउट है किसी को यहां पे, क्लियर ना, ओके। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू नंबर 1 में डालेंगे, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा a इंटू आर रेस टू 3 इज इक्वल टू 16, सो a इंटू आर रेस टू 3 मतलब r का पावर 3 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 16, 2 2 2 मल्टीप्लीकेशन में 8 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, a इज इक्वल टू 2, सेकंड आंसर, आंसर नंबर 1। ये फर्स्ट टर्म पूछा था, उसके बाद कॉमन रेशियो पूछा था, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, इजी है बच्चों ना। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नंबर 36 जो है, इसको आपको अच्छे से देखना है फिर से, ओके, याद रखना, और ये फाइल में जाएगा ना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसके 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। अगर बच्चों कुछ भी इश्यू है, कुछ भी जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगे, कॉमेंट्स आप मुझे यूट्यूब में 100% करें, तो मुझे पता चले कि अगर मैं फर्दर कितना इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, या कहाँ तक मैं अच्छा हूँ, कहाँ पे बेटर जा रहा हूँ, ओके बच्चों। तो प्लीज कमेंट्स, कुछ तो कमेंट्स करिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों, गुड, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड 2018 आईसीएसई, 4 मार्कर क्वेश्चन है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड 15th टर्म इज 66, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हेंस फाइंड द सम ऑफ सीरीज टू 8 टर्म्स, ओके बच्चों। तो गिवन क्या है हमारे पास, एक तो है टी फोर और ए फोर इज इक्वल टू 22, एंड जो दूसरा इक्वेशन गिवन है मतलब a4 और सेकंड जो है a15 इज इक्वल टू 66, दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, फोर्थ टर्म गिवन है, 15th टर्म गिवन है, क्या लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 मतलब कि 3d इज इक्वल टू 22, एंड a15 मतलब a प्लस 15 माइनस 1 मतलब कि 14d इज इक्वल टू 66, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है, जैसे ही हम प्रीवियस क्वेश्चंस की ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, a रिलीज हो जाएगा, 14d माइनस 3d बचेगा, 66 माइनस 22 बचेगा, 14 मतलब कि 11d बचेगा, 66 माइनस 22 मींस 44 बचेगा, d इज इक्वल टू 4 आया, d इज इक्वल टू 4 आया, ये हो गया आंसर नंबर 2, ओके बच्चों। डी की वैल्यू कहां डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आएगा बच्चों, इसके अंदर डालेंगे a प्लस 3 अंडर ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू 22, सो a इज इक्वल टू 4 3 या 12, 22 माइनस 12 10, सही है बच्चों, ये हो गया आंसर 1, ये था आंसर 2, ओके बच्चों। ये मिला हमें, डी मिला,
कुछ नया नहीं किया, वही जो हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसी हिसाब से क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बच्चों? सही में बताना, कमेंट्स डालना, बिल्कुल डालना, क्योंकि मुझे पता चला और मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और कुछ भी तो चेंज नहीं है, वही है। इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बना दिया आपने, दो इक्वेशन बना दिया आपके पास, ए एंड डी दो वेरिएबल है। ओके, तो जैसे दो लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमने सॉल्व कर दिया, डी को फाइंड कर दिया वेरिएबल और ए को फाइंड कर दिया वेरिएबल, ए हो गया डी हो गया, बाकी तो ईपी का कुछ भी पूछ ले। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस है, वी कैन फाइंड एनीथिंग ऑफ द एपी। सही है कि नहीं बच्चों? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें 8 टर्म्स जो है मतलब कि एस 8 फाइंड करना है। इजी है ना, फॉर्मूला डाल देते हैं, कौन सा वाला? एस 8 इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए, मीन्स 10, टू ए प्लस एन माइनस 1 मीन्स 7 इंटू डी, डी वॉट डी हियर 4। सही है बच्चों? क्या डाला मैंने फॉर्मूला? n बाय टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू लिया 8, a इज इक्वल टू लिया 10, d इज इक्वल टू लिया 4। करेक्ट बच्चों? सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये हो जाएगा कितना, 4 ये 20, ये 28, 4 48, 2 16 प्लस 3 19। So, S8 कितना आया बच्चों? S8 193, ये हो गया आंसर नंबर 3। 4 मार्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? तो बोर्ड में बस ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो एपी जीपी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑलमोस्ट मतलब ऑप्शन को अगर हम लोग इग्नोर करें तो हर एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से एक 3 मार्कर, 2 3 मार्कर और 1 4 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब 10 मार्क्स का एपी जो है आपको हेल्प कर पाएगा अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो वीडियोस को बराबर देखे, रिवाइज करके, रिवाइंड करके देखिए, फिर से समझिए, बार बार समझिए, नोट डाउन करिए, खुद करने का ट्राई करिए। राइट बच्चों? और कुछ भी डाउट है, कुछ भी इश्यू है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे पता चले कि आप लोग को कुछ इश्यू नहीं है। ओके, थैंक्स। ओके, इसको नोट डाउन करिए।